एक पत्ता भी हिलेगा ना तो मेरे ऊपर इल्जाम आएगा। दिमाग खराब है इन लोगों का। पता नहीं हमारी जान को क्या हो गया, क्यों मेरे पीछे पड़ गई है इस तरह। मैंने तो उनके बेटे से शादी करने से भी मना कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, ये लोग नहीं है तुम्हारे काबिल। मुझे ये नहीं पता कि कौन काबिल है और कौन इस काबिल नहीं है। मुझे ये पता है कि इस घर में इस वक्त सबसे कमजोर मोहरा मैं ही हूँ, जिसका जब दिल चाहता है मुझे आके मेरी नजरों में गिरा जाता है। रोने की कोई जरूरत नहीं है, टेक इट इजी, रोने प्लीज। कैसे ना रो, मैं अभी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जैसे न सर पे आसमान न पाँव के नीचे जमीन। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? बात करता हूँ मम्मी से। नहीं काका, वास्ते आपको मैं कोई नया इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों ये लोग ना हक रुलाते हैं तुम्हें? मेरी तो किस्मत में ही रोना लिखा है, मैं अपनी किस्मत से कैसे बांध सकती हूँ? जब ये लोग इतना गलत करते हैं तुम्हारे साथ तो तुम स्टैंड क्यों नहीं लेती? कैसे स्टैंड, और मेरे साथ तो होते ही गलत है। मैंने अगर स्टैंड ले लिया तो मेरी कौन सुनेगा, मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। इतना आसान नहीं है किसी को उठा के बाहर फेंक दे। मुश्किल भी नहीं, घर मुझे आदत हो गई जुल्म की। आप टेंशन मत लो। कैसे ना लो टेंशन, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इस अजाब से तो जान छोड़ा, कब तक सर पे बिठा के रखो? जबरदस्ती का ढोल है, न जाने कब तक पीटना पड़ेगा। ये ढोल फट गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ छोटा मोटा रिश्ता देख के चलता करो। कहा है मैंने दो चार रिश्ते वालियों को, शुक्र अल्लाह का मेरी शामिल की तो जान छूटी। सही बात, खुदा जाने क्या गुल खिला थी। मुझे दुआ करें बच्चिया वो इस गम से निकल आए। हो जाएगा, इस उम्र में सब कुछ होता है, ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे। चाय पिलवा दो। अरे चाय क्या, चाय भी पीते हैं, कमरे में चलते हैं, शॉपिंग भी दिखाती हूँ ना आपको। सुहेल मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सब क्या था? बताएंगे मुझे क्या था ये सब? पहले तुम बताओ, जवाब दो इस बात का, ये जो कुछ अंदर चल रहा है ये सब क्या है? क्या चल रहा है अंदर? हर बात पे इतनी अनजान क्यों बनती हो तुम? फिर मुझे सच में नहीं पता क्या चल रहा है अंदर, और आप मुझसे इतना खफा खफा क्यों घूम रहे हैं? मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। मेरा आईना तो आप है ना रोहित, मुझे आप में खुद का अक्स नजर आता। बातें करके तुम मुझे अब मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। बेवकूफ? मैंने कब आपको पहले बेवकूफ बनाया, आप बताएं मुझे। अरे बस कर दो प्लीज, बस कर दो ये सब। मंता ने कुछ कहा है ना आपसे? उस बिचारी को कुछ कहने के काबिल छोड़ा तुम लोगों ने? हम लोगों ने? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर हमने किया क्या उसके साथ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो सबसे बड़ा मसला है, सब कुछ जानते पूछते तुम लोगों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है उसके साथ। का पहले बचाना बंद करें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे सच में नहीं पता क्या किया है किसी ने उसके साथ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खाला से पूछो जाके, शर्म आनी चाहिए उन्हें मुंतहा पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हुए। ऐसे नहीं हो सकता, आपसे किसने कहा ये सब? अपने कानों से सुना है मैंने, अभी अपने अपने कानों से सुना है मैंने, और कहना जाके खाला को
कि ऐसे झूठे इल्जाम वो किसी पे लगाएंगी ना तो अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगी। प्लीज यार तेरे को लड़की कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मुंतहा की वजह से रोहिल बहुत खफा है मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या किया मुंतहा ने? I don't know, लेकिन इतनी सारी बातें सुना के गए वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ बहुत खफा है वो मुझसे। कैसी बात है? यही कि हम सब मिलके मुंतहा पे जुल्म कर रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं। क्या? लेकिन आनी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी बातें उन्हें बताई किसने। मुझे नहीं पता, हो सकता है मुंतहा ने बताई हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहिल ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। लिसन आनिया प्लीज जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी, ओके? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दिल को, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, फिर बैठ के बात करती हूँ। अच्छा है, तुम ही दो तसल्ली इसे, और किसी की बात तो समझ नहीं आ सकती। रोहिल भाई ऐसा कुछ भी नहीं। शट अप, एक लफ्ज और कहना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आनिया, तुम रो रही हो? नहीं तो बस सर में दर्द है। मुंतहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या रोहिल से कुछ कहा है तुमने? मैंने? नहीं तो क्यों? अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे प्राइस बॉन्ड के बारे में? अच्छा, वो क्या? वो मुंतहा यार, तुम्हारी अम्मी ने हमेशा की तरह मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, वो भी प्राइस बॉन्ड्स की। तो रोहित इस वक्त अंदर ही आ रहे थे और उन्होंने सब कुछ अपने कानों से खुद सुना, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आई स्वेयर, सो सॉरी मुंतहा, अम्मी को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और बहुत बड़ा इल्जाम है ये। मेरा यकीन करो, अम्मी ऐसी है नहीं, बस उससे मैं ऐसी बातें कर जाती हूँ, उनकी नियत नहीं होती। मैं उनकी तरफ से माजरत करती हूँ, तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं यार, तुम क्यों शर्मिंदा कर रही हो मुझे? तुम्हारा क्या कसूर है? और वैसे भी मैं रोहिल को यही बता रही थी कि तुम इस घर में सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती हो। थैंक यू, लेकिन बहुत नाराज है रोहिल मुझसे। अम्मी की बातों का बहुत बुरा माना है उन्होंने। क्यों भाई, कैसा फियांसी है तुम्हारा? अजीब दिमाग है इसका, इतनी प्यारी लड़की से भला कोई खफा होता है? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बात करती हूँ उनसे। नहीं नहीं प्लीज, उन्हें कुछ नहीं कहना। आप पहले बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मजीद कुछ गलत सोचें। मैं उनसे खुद बात करूंगी, लेकिन थैंक यू। आप सुनो, एक और बात करनी थी तुमसे मुंतहा। देखो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं
काफी अरसे से बात करना चाह रही थी इस बारे में। क्या तुम आजकल रोहिल के साथ यूनिवर्सिटी जा रही हो? रोहिल से तो मेरी मुलाकात हो गई थी मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। पता है तुम बहुत लकी हो, रोहिल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं तुम्हारी, हर वक्त तुम्हारी बातें करते रहते हैं। क्या सच कह रही हो? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? अभी चाय पियो और अपना मूड अच्छा करो। अरे नहीं, ये तुमने अपने लिए बनाई है? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम पियो, तुम्हारे लिए ही बनाई है, पियो। अच्छा चलो, तुम कैसी चाय बनाती हो टेस्ट करके देख लेती हूँ।